धमतरी शहर के मुख्य मार्गों में लगे निजी संस्थानों और दुकान के ज्यादातर कैमरे खराब हो चुके हैं। इसके बावजूद संचालक ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा पर सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। नेशनल हाईवे में स्थित धमतरी शहर में पिछले कुछ सालों में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने लगी थी, जिसे देखते हुए धमतरी को मिशन सिक्योरिटी सिटी से जोड़ा गया था। इसके तहत जिला पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों को प्रोत्साहित कर मुख्य मार्गों, रिहायशी इलाकों और दुकानों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इसी तरह रत्नाबान चौक से लेकर रत्नाबान गांव तक भी कैमरे लगवाए गए थे, लेकिन यहां के 40% से ज्यादा कैमरे बंद पड़े हैं। दुकानों और घरों के सामने लगे कैमरों की भी देखरेख अब नहीं हो पा रही है, जिससे सुरक्षा पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब किसी घटनाक्रम में सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को सहायता मिलती है, लेकिन कैमरे बंद होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले दिनों बस स्टैंड के सामने एक अज्ञात ट्रक चालक ने स्कूटी सवार को ठोकर मार दी थी। जब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की गई, तो वो खराब निकला। ऐसे में मुश्किल हो जाता है। रत्नाबाद रोड में 40 कैमरे लगे हुए हैं। इस मार्ग पर स्टेट बैंक सहित अन्य बैंक, नर्सिंग होम, अस्पताल मौजूद हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, आप भी सुनिए। ऑडिट किया गया है कि कितने कैमरे ठीक काम कर रहे हैं, कितने गड़बड़ हैं, और यदि जो कैमरों में खराबी पाई जाती तो ऐसे कैमरों को ठीक कराने के लिए उनसे नागरिकों से भी अपील करेंगे, और जिन्हें पुलिस के द्वारा लगवाए गए हैं वो पुलिस भी उसको ठीक करवाएगी। मिशन सिक्योर सिटी के तहत धमतरी शहर के विभिन्न संस्थानों में, साथ ही साथ चौक चौराहों में सीसी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अपराध में नियंत्रण जरूर हुआ है, लेकिन अब जाकर उसका रखरखाव नहीं हो पा रहा है। खासकर जिन दुकान संचालकों ने ये कैमरे लगवाए थे, उनकी देखरेख नहीं हो पा रही है। ऐसे में अपराध को रोकने में काफ़ी मुश्किलें आ सकती है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए लोगों से जल्द कैमरा ठीक करवाए, ताकि अपराध पर नियंत्रण में सफलता प्राप्त हो सके, और जो चौक चौराहों में भी जो कैमरे लगे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, ताकि अपराधियों पर अंकुश पाया जा सके। glips.in के लिए अपने सहयोगी संदेश गुप्ता के साथ मैं भूपेंद्र साहू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.glips.in।